नमस्कार, आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं, बड़ों को पसंद होते हैं। होली के दिनों में तो आलू के चिप्स और पापड़ को सबसे ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसीलिए हम आज बनाएंगे आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बनाने के लिए हमको एक किलो हमने आलू रख ली है, मीडियम साइज़ की। बहुत छोटी होनी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की आलू होनी चाहिए। आलू पूरी तरह से खेत का पका हुआ होना चाहिए। जब तक आलू पका नहीं होगा तब तक चिप्स अच्छे से नहीं बनेंगे। आलू को सभी को हम छील लेते हैं। सभी आलू को छील के हम पानी में डालेंगे। पानी में आलू को डालने से आलू काला नहीं पड़ता है। इसमें रख लेते हैं। इसी तरह से सारी आलू हम छील के तैयार कर लेते हैं। सभी आलू को छील के हम तैयार कर लेते हैं। मीडियम साइज की आलू होनी चाहिए। बहुत बड़ी होगी तो काटने में दिक्कत होगी, बहुत छोटी होगी तो फैलाने में दिक्कत होगी सुखाने के लिए। हमने सभी आलू छील के तैयार कर लिए। अब इनको हम काटेंगे। ये हमने बड़े बर्तन में पानी रख लिया है। अब हम इसमें काटेंगे चिप्स। चिप्स काटने के लिए हमको चिप्स कटर चाहिए। आप ये इधर से प्लेन कटता है, इधर से डिजाइनदार कटता है, आपको जो पसंद है वो काटिएगा। मैं प्लेन ही काटूंगी। सारे आलू को हम इसी तरह से काट लेंगे, चिप्स बना लेंगे। आराम से काटना। सारे चिप्स काट के तैयार कर लिए। इस तरह देखो, सारे चिप्स हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अब गैस चालू करते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी रख देते हैं, उसमें 2 चम्मच नमक डाल देते हैं चिप्स को उबालने के लिए, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देती हूँ। ढक्कन बंद कर देती हूँ और जब तक पानी खौलता तब तक इंतजार करती हूँ। अब इनको एक कपड़े में बांध लेती हूँ। एक कपड़ा बर्तन रखती हूँ, उसमें एक सूती कपड़ा रखती हूँ। सूती कपड़ा रखने के बाद इसमें जो हमारे चिप्स हैं वो इसमें रख लेती हूँ। जितने हमारे बर्तन में आएंगे उतने चिप्स इसमें रखूंगी, और उसकी एक हम पोटली बनाएंगे। गठी चारों कोन कोना जो होते हैं कपड़े के ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से ऐसे। अब एक कोना लेके उसको हम ऐसे बांधेंगे। ढीला होना चाहिए, टाइट गठरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लगा दी। अब इनमें ये देखो जगह इधर भी खुला है, देखो कितनी ढीली पोटली बन गई। अब हम ढक्कन उतार के देखती हूँ। मेरा पानी खोलने वाला है। मैं इसको एक बार चला देती हूँ।
अभी खोलने वाला है। फिर बंद करके थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, पूरी तरह से खोलने लगा। अब मेरा पानी पूरी तरह से खोलने लगा है। अब मैं ये पोटली जो बना के रखी थी, इसमें हमने चिप्स जो बांध के रखे थे, अब ये हम इसी पानी में डाल दूंगी। रख दिया। अब इसको जो है, ये जो हमने ये कोने कपड़े के रखे हैं उनको साइड में रख के उस पर ढक्कन ऐसे साइड में रख के ढक्कन बंद कर देंगे, फिर कवर कर देंगे ढक्कन से। थोड़ी देर पकाएंगे, फिर पलटेंगे इनको। ढक्कन खोल के मैं इधर से इधर को घुमा के रखती हूँ कवर कर ढक्कन से। थोड़ी देर अभी और पका के तब चेक करती हूँ। इसमें एक जालीदार ढक्कन रख देती हूँ। अब चेक करके देखती हूँ कैसे पका है। उठाया, देखो चेक करके देखते हैं इसे। ये निकाल लिया हमने, उसको चेक करके पक गया मेरा, पक गया है। अब मैं इसको निकाल के इसी छलनी में रख दूंगी। जब तक पानी सारा निचल जाएगा, इसमें हम इसमें दूसरी पोटली बना के डाल देती हूँ। सारे चिप्स कपड़े से निकाल के उसी छन्नी में रख लेंगे। उबल के मेरा चिप्स हो गया है तैयार। अब इसको हम धूप में फैला के सुखा लेंगे, उसको धूप में। अब इसको हम ये देखो इस तरह से उबल के तैयार हो गया। इसको अब हम धूप में सुखाने जा रहे हैं। ये मेरे चिप्स सूख के हो गए हैं तैयार, कुछ इस तरह से देखें, देखो सूख गए हैं। इन 2 दिन हमने धूप में इनको सुखाया है। मैं गैस चूल्हे पे कढ़ाई रखती है और उसमें मैं तेल डाल दिया है। इसको गर्म करेंगे, अभी आपको पका के दिखाती हूँ कि किस तरह से पके हैं। मेरा गर्म हो जाएगा तेल, इसमें डालेंगे, डाल के देखती हूँ। मेरा तेल गर्म हो गया है, ये पक के ऊपर आ जाएगा तो तेल गर्म हो गया है। हाँ, मेरा तेल गर्म हो गया है। बाकी के चीज इसमें डालेंगे। बहुत अच्छे चिप्स बन के तैयार हो रहे हैं। गैस थोड़ा सा स्लो कर देंगे, बहुत तेज है, कढ़ाई जली जा रही है। कितनी अच्छे अच्छे से पक रहे हैं। ये तल के हो गए हैं तैयार चिप्स, देखिए बहुत ही अच्छा चिप्स बनके तैयार हुआ है। बहुत वाइट वाइट भी दिख रहा है। इसी तरह से बनाइए चिप्स, खाइए, खिलाइए सभी को। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है।